हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और यहाँ पर मैं हेल्प करता हूँ आप लोगों को एक बेटर सॉफ्टवेयर परचेजिंग डिसीजन लेने के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वीपीएन के बारे में, नॉर्ड वीपीएन के बारे में एक डिटेल्ड रिव्यू करेंगे आज हम लोग। तो रिसेंटली मैंने वीपीएन के बारे में यहाँ पे काफ़ी सारी बातचीत करी है इस चैनल के ऊपर और एक वीडियो भी बनाया था मैंने बेस्ट वीपीएन के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें मैंने अलग अलग डिफरेंट वीपीएन को कंपेयर किया था, उसमें एक वीपीएन था नॉर्ड वीपीएन भी। अब नॉर्ड वीपीएन में कुछ रिसेंटली चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से मुझे एक नया डिटेल्ड वीडियो बनाना पड़ रहा है सिर्फ नॉर्ड वीपीएन के ऊपर। तो आज हम लोग बात करेंगे नॉर्ड वीपीएन के बारे में डिटेल में, देखेंगे क्या इसके प्लस है, क्या इसके कॉन्स है और क्या क्या नए चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके सर्वर्स से। यहाँ पर आपको 5000 से ऊपर सर्वर्स मिल जाते हैं, 2 लोकेशन से इंडिया में, मुंबई और चेन्नई, और यहाँ पर 26 से ज़्यादा सर्वर्स है सिर्फ इंडिया के अंदर। स्पीड की बात करो तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पीड्स देखने को मिली है। मेरी जो ओरिजिनल स्पीड है वो है 120 Mbps की डाउनलोड और 120 Mbps अपलोड स्पीड। अब लास्ट टाइम जब मैंने इसके स्पीड टेस्ट करे थे तो मुझे एंड्रॉइड में अलग स्पीड्स मिल रही थी और मेरे मैकबुक में अलग स्पीड्स मिल रही थी, इसलिए इस बार मैंने इसको अपने सारे डिवाइसेस में चेक किया है, मैकबुक में, विंडोज़ में, एंड्रॉइड में, iOS में, सब में मैंने इसके स्पीड टेस्ट करके देखे हैं। तो मैक, विंडोज़, एंड्रॉयड, iOS सब में मुझे अच्छी स्पीड्स देखने को मिली है, थोड़े बहुत वेरियंस थे लेकिन तीनों चारों में ही मुझे यहाँ पर अच्छी स्पीड्स देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, मीन्स 10% ही यहाँ पे मेरे स्पीड का लॉस हुआ है। फिर जब मैंने US के सर्वर्स का यूज़ किया तो अगेन मैंने यहाँ पर मैकबुक, विंडोज़, एंड्रॉयड, iOS चारों में टेस्ट रन करके देखे और चारों में मुझे काफ़ी अच्छी स्पीड्स देखने को मिली है, ज़्यादा यहाँ पर ड्रॉप नहीं हुआ है। तो स्पीड के मामले में नॉर्ड वीपीएन ने इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, स्टेबली सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जो देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई है। और इसके पीछे का एक रीज़न है इनका नया प्रोटोकॉल भी, उस प्रोटोकॉल के बारे में मैं आगे बात करूंगा। अब अगर रिलायबिलिटी की बात करूं तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल वीपीएन सर्वर्स आउट देयर। नॉर्ड वीपीएन में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते हैं, इट इज़ द रिलायबल वन आउट देयर। लॉक पॉलिसी की बात करूं तो नॉर्ड वीपीएन किसी भी तरह का लॉग नहीं रखते हैं, ये रही इनकी प्राइवेसी पॉलिसी। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किसी भी तरह का यहाँ पे लॉग, आईपी एड्रेस, बैंडविड्थ, क्या आपने कौन सी वेबसाइट विजिट करी, कुछ भी तरह का यहाँ पे लॉग नहीं रखा जाता है, जो कि अच्छी बात है। सिक्योरिटी ऑडिट की बात करूं तो नॉर्ड वीपीएन ने अपने सिक्योरिटी ऑडिट भी कराए हैं। पीडब्ल्यूसी प्राइवेट वाटर हाउस कूपर्स नाम की एक प्राइवेट कंपनी है जो कि ये सारे ऑडिट्स देखती है, तो इन्होंने ये ऑडिट किया था लास्ट ईयर एंड सर्टिफाई किया था नॉर्ड वीपीएन को कि ये लोग कोई लॉग नहीं रखते हैं। फिर इन्होंने जुलाई 2020 में भी वापस से अभी नया टेस्ट हुआ है, लास्ट मंथ ही, एक दो महीने पहले जुलाई में हुआ ये, एंड यहाँ पर भी वापस से इसे सर्टिफाई किया गया है कि ये लोग कोई लॉग नहीं रखते हैं। इनको पूरा एक्सेस दिया गया था फिजिकल सर्वर्स का, एम्प्लॉयज़ के यहाँ पे इंटरव्यू लिए थे, सारी यहाँ पे डिटेल में इस ब्लॉग में इंफॉर्मेशन दी है, मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा। ये देख के अच्छा लगता है यार कि अगर वीपीएन कंपनी अपने हर साल ऑडिट्स करवाए तो, वैसे बहुत सारी वीपीएन कंपनी अपने ऑडिट करवाती नहीं है, बहुत कम ऐसी कंपनी है जो ऐसे ऑडिट करवाती है, जैसे कि एक्सप्रेस वीपीएन, जैसे कि नॉर्ड वीपीएन, और ये देख के और भी अच्छा लगता है जब ये लोग हर साल करवाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार सर्टिफाई करवा लिया एंड देन बाद में उसका कबाड़ा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर साल करवाओ एंड हर साल हमें सर्टिफिकेट दिखाओ। तो यहाँ पर नॉर्ड वीपीएन ने भी वही किया है। सिक्योरिटी फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल में IKEY, V2, ओपन वीपीएन दोनों का सपोर्ट मिलता है। इंक्रिप्शन में AES है 256 बिट के साथ में, तो ये जो चीज़ें ये स्टैंडर्ड है, आपको हर पेड वीपीएन में देखने को मिलेगी एंड इट इज़ गुड, इसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। यहाँ पर आपको DNS लीक्स भी नहीं देखने को मिलते हैं। जो एक नई चीज़ आई है यहाँ पर वो है इनका एक नया प्रोटोकॉल NordLynx के नाम से, और ये वाला प्रोटोकॉल WireGuard प्रोटोकॉल पे बेस्ड है जो कि इट्स लाइक फ्यूचर फॉर VPNs। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर अच्छी स्पीड मिलती है एंड बेटर सिक्योरिटी भी मिलती है। सो अब आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो इस प्रोटोकॉल के बाद में NordVPN के यहाँ पर आपको बेटर स्पीड्स देखने को मिलेगी लोकली और इंटरनेशनली दोनों, और सिक्योरिटी भी यहाँ पर अच्छी हो गई है। स्ट्रीमिंग की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे नेटफ्लिक्स US UK में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हॉटस्टार की बात करूँ तो हॉटस्टार जब मैंने इसको पहली बार यूज़ किया था जनवरी में, तब यह इतने अच्छी तरीके से नहीं चला था यहाँ पर हॉटस्टार, बट अभी यहाँ पर हॉटस्टार भी मेरा काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। 100% काम नहीं करता है लेकिन 80-90% ऑफ द टाइम्स योर हॉटस्टार विल वर्क, और अगर कभी नहीं करता है तो आप लोग यहाँ पे सपोर्ट से क्वेरी कर सकते हो। Amazon Prime की बात करूं तो Amazon Prime काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक करते रहते हैं VPNs को, और वो NordVPN को भी बहुत बार उनके सर्वर्स को काफ़ी ब्लॉक किया है Amazon Prime ने भी।
मेरे केस में इट वॉज लाइक 70-80% तक मैं एक्सेस कर पा रहा था। कभी कभार मुझे वहाँ पर एरर आ जाता था कि आप नहीं देख सकते हो, आप वीपीएन के ऊपर हो। उस केस में मैं वापस से रिकनेक्ट होके दूसरे किसी सर्वर से देख लेता था। सो फॉर स्ट्रीमिंग नॉर्ड वीपीएन इज गुड, लेकिन कभी कभार इसमें एरर्स आ जाते हैं। P2P की बात करो तो यहाँ पर P2P भी सपोर्ट करता है, टॉरेंटिंग का यहाँ पर सपोर्ट है। ज्यूरिसडिक्शन की बात करो तो ये बेस्ड है पैनामा में। पैनामा 49 कंट्रीज में नहीं आती है, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे फोर्स नहीं कर सकती है कि आपके सर्वर में जो डेटा है वो आप हमें दो, या फिर आप किसी यूजर को ट्रेस करो, उसको फोर्सफुल नहीं किया जा सकता है। सो दैट्स गुड। अब अगर मैं इसके कुछ फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको टॉर ओवर वीपीएन भी मिल जाता है कि आप लोग टॉर ब्राउजर के साथ में वीपीएन का यूज कर लो। फिर यहाँ पर साइबर सेक नाम के इनका फीचर है जो बेसिकली आपके एड्स को ब्लॉक कर देता है, मैलवेयर्स को ब्लॉक कर देता है। तो बेसिकली आप लोगों को एक एड ब्लॉकर मिल रहा है नॉर्ड वीपीएन के साथ में। फिर यहाँ पर स्प्लिट टनल का भी फीचर है, लेकिन वो सिर्फ एंड्रॉइड में ही है। स्प्लिट टनल मीन्स आप लोग नहीं चाहते हो कि आपके सारे ऐप्स वीपीएन का यूज करें। मान लो मेरा जोमेटो का ऐप मैंने यूज कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो मुंबई का आईपी एड्रेस देखे। उसको मेरे घर पे डिलीवरी देनी है तो उसको भोपाल का आईपी एड्रेस ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंबई का उसको मिल रहा है, तो वो चीज़ गड़बड़ी हो जाती है। तो उस चीज़ में स्प्लिट टनल का यहाँ पे काम आता है। फिर डबल वीपीएन का भी यहाँ पे फंक्शन है। अगर आप लोग ओपन वीपीएन प्रोटोकॉल का यूज करते हो तो डबल वीपीएन मींस कि आप दो आईपी से बाउंस होकर जा रहे हो। मान लो मेरी एक यूएस में है, फिर यूके में है, तो पहले मैंने यूएस से कनेक्ट किया, फिर यूके से कनेक्ट किया, फिर मैंने अपनी वेबसाइट को विजिट किया। दैट इज डबल वीपीएन। इट इज़ गुड फीचर टू हैव, लेकिन अगर आपको ज़्यादा अनोनिमिटी चाहिए तो बेटर है कि आप लोग टॉर ब्राउजर यूज़ करो। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको ऑफस्केटेड सर्वर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि बेसिकली उन जगहों के लिए हैं जहाँ पर वीपीएन को ही ब्लॉक कर दिया जाता है, जैसे कि चाइना, जैसे कि स्कूल्स कॉलेजेस में बहुत बार वीपीएन को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो उस केसेस में इन सर्वर्स को यूज़ किया जा सकता है। तो नॉर्ड वीपीएन चाइना में भी काम करेगा इन सर्वर्स का यूज़ करके। अब अगर मैं इसके हिस्ट्री की बात करूँ तो नॉर्ड वीपीएन को एक बार हैक किया गया था 2018 में। इनका एक सर्वर था जिसे हैक कर लिया गया था, जिसमें थोड़े ब्रीचेज हो गए थे क्योंकि मिसमैनेजमेंट हुआ था एक थर्ड पार्टी के थ्रू। नाउ सर्वर ब्रीचेज होते रहते हैं, लेकिन जो लोगों को अच्छी चीज़ नहीं लगी नॉर्ड वीपीएन के बारे में वो ये थी कि नॉर्ड वीपीएन ने इसका टाइमली रिस्पॉन्स नहीं दिया। जैसे 2018 में ये हैक हुआ था, 2019 में जाके उनको इसके बारे में पता चला, फिर उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्लोज करने के लिए पब्लिक को 6 महीने लगा दिए। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। इसके रिस्पांस ने नॉर्ड वीपीएन ने कहा था कि उन्हें इसलिए इतना टाइम चाहिए था ताकि वो अपने बाकी सारे सर्वर्स को भी ठीक कर सकें। अब जो भी इसकी पूरी स्टोरी है वो उसके लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको पूरे आर्टिकल्स पढ़ने तो आप लोग जाके पढ़ सकते हो। अब क्या आप लोगों को इसको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये चॉइस सिर्फ आपकी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या इस कंपनी को ट्रस्ट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। फॉर मी पर्सनली आई विल स्टिल ट्रस्ट नॉर्ड वीपीएन। क्यों? क्योंकि इट मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि हैक हुआ है, हैक होते रहते हैं, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर रहे हो आप लोग और बाकी सारे प्रिवेंशन, बाकी सारे सिक्योरिटी मेजर्स क्या ले रहे हो आप लोग, मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। तो आई विल स्टिल ट्रस्ट नॉर्ड वीपीएन। इनको एक और चांस देना बनता है मेरे ओपिनियन में। और ये लोग जो सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं इस साल के लिए, आने वाले साल के लिए, वो काफ़ी यहाँ पर अच्छे से इन्होंने डिटेल में बताए हैं हमें कि यहाँ पर एक लीडिंग साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग फर्म है, इसको उन्होंने हायर किया है, वो सब इनके देखेंगे, पेनिट्रेशन टेस्ट, अलग अलग हैकिंग टेस्ट करके देखेंगे, बग बाउंड्री प्रोग्राम लेके आए हैं ताकि हैकर्स यहाँ पर हैक करके बता सके कि ये आपकी वेबसाइट्स में, आपके ऐप में लूप होल्स रहेंगे, ये एक पॉजिटिव स्टेप है। फिर सिक्योरिटी ऑडिट, चलो ये तो हो ही रहा है, अभी जुलाई में एक हुआ था, तो दैट्स अगेन वेरी गुड। फिर यहाँ पर हायर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, दैट्स गुड। फिर डिस्कलेस सर्वर्स, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है मुझे कि रैम सर्वर्स का यूज़ किया जाएगा। अब रैम सर्वर्स में क्या होता है कि आपकी मेमोरी जो रहती है, आपका डेटा जो रहता है, वो हार्ड डिस्क में नहीं लिखा जाता है, वो रैम के ऊपर रहता है, और जैसे ही सर्वर रिबूट होता है वो डेटा ऑटोमेटिकली वाइप हो जाता है। ट्रेडिशनली क्या होता था, ट्रेडिशनली हार्ड डिस्क में सेव होता था, फिर हार्ड डिस्क से उसको वापस से वाइप आउट करना पड़ता था, तो बीच में कोई वहाँ पे जाके ट्रोजन भी डाल सकता है, तो एक वो थोड़ा सा लूप होल था। इस मेथड में वो नहीं रहता है। ये चीज़ बहुत ही कम वीपीएन प्रोवाइडर्स करते हैं, एक्सप्रेस वीपीएन इज़ वन ऑफ देम, और अपने नॉर्ड ने भी शुरू कर दिया है। और एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगले आने वाले 2-3 महीनों में नॉर्ड वीपीएन में रैम सर्वर्स आ जाएंगे। अब अगर मैं इसके सॉफ्टवेयर्स की बात करूँ तो एंड्रॉयड, विंडोज, मैक, आईफोन, लिनक्स, एंड्रॉयड टीवी, फायर स्टिक, क्रोम, फायरफॉक्स सब में अवेलेबल है।
जो एक अच्छी बात लगी है मुझे कि इसमें एंड्रॉयड में प्ले स्टोर पे इनका ऐप भी अवेलेबल है, नहीं तो कुछ कुछ कंपनीज, कुछ पॉपुलर कंपनीज ऐसी है जिनके ऐप्स अवेलेबल नहीं है स्पेसिफिकली इंडिया में, जैसे कि एक्सप्रेस वीपीएन, जैसे कि सर्फ शार्क। यूजर्स की बात करूं तो यहाँ पे 6 यूजर्स नॉर्ड वीपीएन का यूज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली अपने डिवाइसेज में। यूजर इंटरफेस की बात करूं तो काफी सिंपल सा प्लेन सा यहाँ पे यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, बस आपको क्विक कनेक्ट करना है एंड ऑटोमेटिकली ये आपको फास्टेस्ट सर्वर से कनेक्ट कर देगा। अगर आपको यूएस से भी होना है तो यूएस लोकेशन सेलेक्ट करके वो ऑटोमेटिकली आपको फास्टेस्ट सर्वर से कनेक्ट कर देगा। अगर एंड्रॉइड के इंटरफेस की बात करूं तो वो काफी अच्छा है, काफी इजी टू यूज है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा इंटरफेस है वो, और वहां पर आपको स्प्लिट टनल भी देखने को मिल जाती है। iOS की बात करूं तो वो भी अच्छा है, इजी टू यूज इंटरफेस है, एंड्रॉइड जैसा ही है। अब अगर मैं मैक और विंडोज की इंटरफेस की बात करूं तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है, स्पेसिफिकली मैक का तो अच्छा नहीं लगा है, वहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एक बड़ा सा मैप दे देते हैं ये लोग तो इट लुक्स प्लेन एंड बोरिंग, तो इट इज़ नॉट वॉट आई हैव पेड फॉर, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा इसको बेटर किया जा सकता है। सेम विंडोज़ में भी इंटरफेस को यहाँ पर थोड़ा बेटर किया जा सकता है। ओवरऑल मोबाइल में यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, डेस्कटॉप और मैकबुक के लिए थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। कस्टमर सपोर्ट की बात करूं तो 24/7 लाइव चैट सपोर्ट मिलता है और ईमेल्स के थ्रू भी आप लोग इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस्ट प्लान है वो है 3 साल का, जिसकी प्राइसिंग आप लोगों को पड़ेगी $125.64। तो यूजुअली ये आपको 3 साल के लिए ही लेना पड़ता है अगर आपको बेस्ट ऑफर चाहिए तो। कभी कभार यहाँ पे डिस्काउंट्स आ जाते हैं, कभी 2 साल के लिए आ जाते हैं, कभी 1 साल के लिए आ जाते हैं, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जैसे ही आप लोग उस पेज पे विजिट करेंगे आप लोगों के पास बेस्ट ऑफर आ जाएगा, प्लस आप लोगों को 1 महीने का एक्स्ट्रा फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। नीचे मेरा एफिलिएट लिंक रहेगा तो अगर आप लोग वहां से परचेस करोगे तो मुझे कमीशन मिलेगी बिना किसी आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए, इनफैक्ट आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही मिलेगा। तो अगर आप लोग नीचे दिए गए मेरा लिंक यूज करोगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे हेल्प मिलती है कि मैं इस तरह के अनबायस रिव्यू वीडियोस कर पाऊँ एंड इस चैनल को भी ग्रो कर पाऊँ। सो इफ यू लाइक माई वर्क डू सपोर्ट मी बाय परचेजिंग फ्रॉम दोज लिंक्स। पेमेंट की बात करूँ तो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, पेपाल है और गूगल पे भी है, ये काफी अच्छी चीज है इंडियन यूजर्स के लिए। रिफंड पॉलिसी की बात करूं तो 30 दिन तक यहाँ पर आप लोग मनी बैक क्लेम कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की, और अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट। अब अगर मैं इसके प्रोज की बात करूं तो यहाँ पर आपको फास्ट एंड स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, एंड्रॉइड और iOS के एप्स काफी अच्छे हैं, सर्टिफाइड है, नो लॉक के लिए ऑडिटेड है ये, प्राइवेसी इसकी काफ़ी अच्छी है, पैनामा बेस्ड है जो कि 49 में नहीं आता है। इनके जो सिक्योरिटी प्लान्स है अपकमिंग वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, नॉर्ड लाइनेक्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है जो कि वायरगार्ड प्रोटोकॉल पे बेस्ड है, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार स्ट्रीमिंग के लिए काफ़ी सही है और इंडियन पेमेंट ऑप्शंस भी ये एक्सेप्ट करता है। अब अगर इसके कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पर स्प्लिट टनल है लेकिन वो सिर्फ एंड्रॉयड में ही है। जो इनका बेस्ट प्लान है वो आता है 3 साल के लिए, तो आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, थोड़ा लंबी कमिटमेंट करनी पड़ेगी नॉर्ड वीपीएन के साथ में। फिर यहाँ पर इंटरफेस में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है मैकबुक और विंडोज के लिए, और स्ट्रीमिंग विल वर्क लेकिन अमेजॉन प्राइम के लिए कभी कभार वो काम नहीं करेगी। सो क्या ये आप लोगों को लेना चाहिए? देखो जब मैंने इसको शुरुआत में रिव्यू किया था ना नॉर्ड वीपीएन को, तब ये मुझे मोबाइल के लिए काफ़ी अच्छा लगा था, एंड्रॉयड के लिए तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब मैंने इसे फिर से यूज़ किया है एंड जो इन्होंने पिछले 6 महीने में चेंजेस करे हैं स्पेसिफिकली स्पीड के रिलेटेड, सिक्योरिटी के रिलेटेड, और जो इनका नया प्रोटोकॉल आया है उससे इसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी हो गई है, ज़्यादा स्टेबल हो गई है और ज़्यादा रिलायबल भी हो गया है, तो नॉर्ड वीपीएन इज़ वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। इसका जो एक कॉन है वो बस यही है कि यहाँ पर आपको 3 साल के लिए एक लंबा कमिटमेंट करना पड़ेगा, तो अगर आप लोग कर सकते हो तो नॉर्ड वीपीएन इज़ द परफेक्ट ऑलराउंड वीपीएन फॉर यू। आप लोग इसे डेफिनेटली देखिए, अगर आप लोग बजट में हो तो सर्फ शार्क एक अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप लोग अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हो तो नॉर्ड वीपीएन एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, और इसके ऊपर अगर आप लोगों को जाना है तो एक्सप्रेस वीपीएन भी एक ऑप्शन है। एक्सप्रेस और नॉर्ड में काफ़ी टफ फाइट है, एक्सप्रेस वीपीएन के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, बट फॉर मोस्ट यूजर्स नॉर्ड वीपीएन विल बी गुड इनफ। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।